हे गाइस गुड मॉर्निंग। ये चिड़िया, बारिश हो रही है तो इनको मज़ा आ रहा है, पर ये जो कुत्ता है, कुत्ता क्यों भौंक रहा है? क्या देती है? उससे जाके पूछ लो। बारिश हो रही है, माना कि चिड़िया इनको ऊपर उड़ने में मज़ा आता है, सब कुछ होता है, पर कुत्ता क्यों भौंका करता दिन भर बेफालतू का भौंका? अरे अदिति, मैं पानी लेने गया, ठीक है, तो मेरे ऊपर काटने दौड़ा था वो और भैया बांधे भी नहीं उसको, मेरे भैया बांध दो, जर्मन शेपर्ड है और उससे डरना तो बनता ही है। बोले नहीं काटेगा। अरे काटेगा क्या, नहीं काटेगा, ऐसा काटेगा ना तो उसको यदि उसने काट लिया और उसको लात मारो कुछ भी कर, नहीं छोड़ेगा। जर्मन शेपर्ड भाई बहुत खतरनाक कुत्ते होते हैं जर्मन शेपर्ड। मेरे को पहले डर लगता है कुत्तों से, इसलिए मैं उसको जर्मन शेपर्ड सबसे ज़्यादा डर लगता है मेरे को। और आज हम करने वाले क्यों है ने? आओ तो मेरे को मारते क्यों रहते हो? देखो अदिति का हमारे ये जो बेबी है ना, इसका पेट कितना बड़ा हो गया है, ये देखो, है ना, ये देखो, नज़र लग जाएगी। काला टीका लगा देते हैं, नज़र लग जाएगी मेरे बच्चे को, उसको प्लीज़ नज़र मत लगाना, ब्लेसिंग्स दे दो, ब्लेसिंग्स दे दो कमेंट्स के अंदर। और साथ ही हम वीडियो की स्टार्टिंग में अब रोज बोलेंगे लाइक करो वीडियो को पूरा देखना। अभी हम जाते हैं, चल खड़ी हो, कुर्सी लगा और क्यू एन ए करते हैं, चल खड़ी हो। है गाइस, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग, और ये क्यू एन ए सीरीज है, ब्लॉग नहीं है, ये क्यू एन ए सीरीज है, हर संडे जो करते हैं, क्यू एन ए सीरीज 4। तो यहाँ पे क्वेश्चन पिक करना हम स्टार्ट करते हैं जी। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, साक्षी सिन्हा जी का, अदिति दीदी आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है? कौन सा फेस्टिवल है? दिवाली। इसका फेवरेट दिवाली है मेरा, दिवाली बहुत अच्छी लगती है। यदि आप मेरे से पूछते तो बताता मैं, ऐसा क्यों बताऊँ मैं, ठीक है। और ये क्यू एन ए सीरीज के अंदर इतने ज्यादा कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि मैं भूल गया था क्यू एन ए का जो डालते हैं ना, वो डालने ही भूल गया था मैं, सॉरी माफ करना, पर भी बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन इसके अंदर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विक्की भैया, योर चाइल्डहुड पिक्चर्स, आपकी बचपन की फोटो, बचपन की फोटोज तो स्क्रीन पे दिख रही होगी आपको, देख लो, है ना, अदिति की, मेरी दोनों के साथ में, इसमें से ये बताना अदिति कौन सी है, मैं कौन सा हूँ, बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवानी श्रीवास्तव, आप दोनों की क्वालिफिकेशन क्या है, प्लीज ये क्वेश्चन को पिक जरूर करना। पिक कर लिया हमने, बोलो। मेरी क्वालिफिकेशन है, पहले मैं इनकी क्वालिफिकेशन बता दूंगी, क्वालिफिकेशन है 10th फेल और मेरी क्वालिफिकेशन है बीकॉम सेकंड ईयर चल रहा है मेरा, मैंने भी एग्जाम दिया। इसका मतलब ये, रुक जा, कोई नहीं बताया, 10th फेल कितनी बार फेल? 3। ये देखो, मना कर रहा था ना बोलने को, पब्लिक बोलती ये ऐसी करती है, बीच में कमेंट्स करते हो तो कमेंट्स करने से रोक देती, पहले क्वेश्चन का आंसर दे देती है ये। नहीं नहीं, आप कमेंट करना, आपने भी सुना नहीं ना मैंने क्या बोला, तब बता देना कितनी बार फेल हुए। लाइक मार के जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नाम दिलेश दुलारा, विक्की भैया आपकी कितनी भाई बहन है, सबकी शादी हो गई क्या, अदिति दी आप कितने भाई बहन है और आप लोग कहाँ रहते हो? पहले अदिति का, सबसे पहले तो हम लोग MP खरगोन में रहते हैं, पहले अदिति प्रदेश खरगोन, ये 4-5 बहनों ने और 10-12 भाइयों ने, नहीं झूठ, हम, मेरा सिर्फ एक छोटा भाई है और मैं बड़ी बहन हूँ जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, ठीक है, बड़ी बहन, भाई की छोटे की शादी नहीं हुई है, मैं तो हो गई है। और हम कितने हैं? 3। 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रजक्ता जगताप, मेरा क्वेश्चन अदिति जी से, विक्की भैया जी 10th पास आउट नहीं किए तो उनके एजुकेशन के बारे में क्या लगता है, उन्होंने कंटिन्यू करना था या नहीं? देखो मुझे तो लगता है कि उनको कंटिन्यू करना था, पर मेरे को लगता है मैंने कंटिन्यू नहीं किया, मैंने बहुत अच्छा काम किया है। तो पढ़ लिख के क्या है, क्यों मैंने कंटिन्यू नहीं किया तो मैंने बहुत अच्छा काम किया है? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं पढ़े को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, पर मैं ऐसा, मेरा कहने मतलब ऐसा पड़ता है कि आप पहले उस चीज को क्या बोलते है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जब भी कुछ बोलते समझ में नहीं आता तुमको, ठीक है। तो मेरा कहने मतलब है, आप है ना, जब से पहले उसके लिए मेहनत कर रहे हो, उससे अच्छा कि आप कमाने लग जाओ ना, आपको थोड़ा सा, जब आप जिस, आपके जो साथ के दोस्त है आप, वो 20 साल की उम्र में कमाने लगेंगे और आप 10 साल की उम्र से कमाने लग जाओगे, तो आप 10 जब वो 20 साल के होंगे तब तक आप किधर होंगे? हेलमेट माथे के ऊपर से हेलमेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नहीं, किसी को समझ में आया हो, मेरी दिल से मैंने बताया है, किसी को समझ में आया होगा इनका बात, इनको समझ में आया तो प्लीज क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बता देना, मेरे को दिल में लग जाएगा, नहीं तो चोट लग जाएगी, किसी को नहीं समझ में आया, ठेस पहुंच जाएगी दिल पे, चुभ जाएगी, ठेस लग जाएगी। शिक्षा शर्मा जी,
रूपशिखा शर्मा। रूपशिखा शर्मा जी, हेलो मैम एंड सर, अगर आपको मौका मिले तो आप दोनों एक दूसरे की कौन सी आदत बदलना चाहेंगे, प्लीज आंसर मी। पहले ये बताइए। मैं इनकी जोर जोर से चिल्लाने की आदत बदलना चाहूंगी, बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को हमेशा गुस्सा ही कर रहे हैं। हाँ बेटा थोड़ी देर से आना। अरे मैं ये बोल रही कि वो आदमी की कौन सी बुखार की दवाई है वो वीडियो कॉल करके बता दो, बुआ बोल रही। हाँ ठीक है बता रहे हैं। अद्विक की तबीयत खराब है थोड़ी सी, इसलिए उसको टेबलेट दे रहे। कल भी पेट दुखा रहा था, आज भी दुखा रहा है, बुखार भी आ रहा है, क्या करें। विक्की को पहुंचा, मैं को बुला रहे हैं नीचे, मैं आता हूँ नीचे से। हाँ जी, तो वापस आ चुके हैं और अद्विक को हमने टेबलेट दे चुके हैं, दवाई पिलाई। हाँ सॉरी, सायरप दे दिया है। उसकी तबीयत खराब है, उसको दो तीन बार वोमिटिंग भी की थी और अभी फीवर है उसको। रात की 2 बजे वोमिटिंग कर दी थी, नींद में ही कर दी थी। हाँ ठीक है, क्वेश्चन पे थे, क्या क्वेश्चन पे थे अपन? कौन सी आदत बदलना चाहेंगे? मैं कौन सी आदत, मैं आदत बदलूंगा इसकी, ये है ना ऐसा उसको मुंह फुला लेती है, आपको पता होगा ना, पता है पता है पता है, आप हमारे डेली ब्लॉग देखते होंगे तो आपको सभी को पता है। दुमट सेकेंड फ्लोर पे एक सांस में ऊपर आया भागते भागते, इसलिए ठीक है। तो इतना बड़ा मुंह जो फुलाती है ना, उसके लिए इसकी आदत बदल देगी और मैं चिल्लाने की आदत बदल दूंगा, मत जाने लाइफ। हैबिट, कौन सी हैबिट अच्छी लगती है इसकी? 2 मिनट का वक्त चाहिए मुझे आपसे। दो मिनट का मोनोटोन करना चाहते हैं इस बात से, क्योंकि हैबिट कोई से अच्छी नहीं लगती इनको मेरी। 2 मिनट का वक्त चाहिए आपसे, मुझे सोचना पड़ेगा। इतनी सी बात के लिए तुमको सोचना पड़ेगा? बाप रे बाप। हाँ दूसरों की बीवियाँ तैयार होने में आधा आधा एक घंटा लगाती है, ये सिर्फ 2 मिनट लगाती है। ये हैबिट अच्छी लगती है, ये हैबिट अच्छी लगती है। रंजीत एंड पिंकी ब्लॉग्स, ठीक है। विक्की भैया, आप कौन कौन से कैमरे से वीडियो बनाते हैं, आपका कौन सा माइक यूज करते हैं, प्लीज रिप्लाई जरूर करना भैया। ये मैंने चालू करा है ना, ये है मेरा कैनन का 200D और ये है बोया का माइक, सॉरी रोड का माइक, रोड का माइक है, देखो रोड का माइक है। इसकी ऑडियो क्वालिटी सबसे बेस्ट है। उसके साथ में हम यूज करते हैं ये GoPro, ठीक है। उसके साथ में यूज़ करते हैं हम ये ब्लर के लिए ये लेंस 50mm। उसके साथ में यूज़ करते हैं ये हमारा मैकबुक एडिट करने के लिए, और उसके साथ में हम आप सभी का प्यार भी लेते हैं, मिलता है हमें आपका प्यार, इसको नीचे रखता हूँ। उसके साथ में आप सभी का हमको प्यार मिलता है और इससे ज़्यादा क्या चाहिए, ठोको तालियां और बदलो कमेंट। क्वेश्चन ब्लॉग विथ नूर यूट्यूबर, मेरा क्वेश्चन अदिति बाजी से है। अदिति बाजी, बाजी का मतलब समझ में नहीं आया, बताना मेरे को। हाँ प्लीज बता देना, मुझे भी समझ नहीं आती बाजी मतलब। हाँ। प्लीज आप विक्की भैया को स्पेशल चीज बना के कब खिलाने वाले हो, साथ ही साथ ब्लॉगिंग में बनाओ, साथ ही साथ ब्लॉगिंग भी बनाओ प्लीज अदिति बाजी। हाँ मैंने बोला था ना आपको कि अदिति मेरे लिए कुछ अच्छा चीज़ बना और साथ ही व्लॉग भी शूट करना है कि आज मैं कर्मा जी के लिए ये चीज़ बना रही हूँ, और वो अभी पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी है ना, तो मुझे जो भी बघार लगते हैं, तड़का लगता है या कुछ भी होता है ना, तो उसकी स्मेल आती है तो वोमिटिंग होती है जी। इसलिए मैं अभी सिर्फ रोटी बनाती हूँ, चावल बनाती हूँ और फीकी दाल बनाती हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं बनाती। और अभी तो कुछ भी नहीं बनाती है, अभी तो कुछ भी नहीं बना। ये जो रूम है ना, यहाँ पर सोई रहती है, बाकी बाग के नीचे जाओ सबसे नीचे पानी ला के दो, बाग के नीचे जाओ खाना ला के दो, दही ला के दो, कभी ये ला के दो। अभी मेरी मैंने मुझे बेड रेस्ट का बोला, बेड रेस्ट का बोल दिया है, इस वजह से अभी कुछ नहीं बनाएगी। जब भी अच्छी होगी ना, पेट भर के दिल खोल के बनाएगी, दिल खोल के हम खाएंगे। तो बच्चे होने के बाद की बात कर रहे हैं, एक साल के बाद, एक साल के बाद मनाएगी, एक साल के अभी 7 महीने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, माधुरी गोड़े फैमिली के ऊपर ब्लॉग बनाओ, इंट्रोडक्शन कराओ। जी बिल्कुल, हमारे 2 लाख होने पे फैमिली ब्लॉग बुलाएंगे और सबसे इंट्रोडक्शन भी करवाएंगे, सबसे पापा से मिलवाएंगे, केक कटिंग के वाले दिन ही सबसे इंट्रोडक्शन करवाएंगे, मम्मी से मिलवाएंगे, सबसे मिलवाएंगे, सब मिलेंगे कब? राखी पे मिलवाएंगे। राखी आएगी ना, मैं नहीं रहूंगी पर। नहीं ये भी यहीं रहेगी, इसको रख लूंगा मैं, नहीं रहूंगी मैं इसको, राखी पे मैं मेरे घर जाऊंगी, वीडियो कॉल करके इंट्रोडक्शन इससे करवा देंगे, पर करवा देंगे। नेक्स्ट प्रीति गुप्ता जी, आपका कितना मंथ चल रहा है? कौन सा मंथ चल रहा है दीदी को, इसका क्वेश्चन अभी नहीं। नेक्स्ट
ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, हम रुकावट जेंटलमैन रुका जेंटलमैन छोड़ हट रुकावट के लिए खेद है, हमने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया ना आपसे, मैं भूल गया था पूरा वीडियो शूट करते आखिर में शूट कर रहा हूँ कि अदिति को कौन सा मंथ चल रहा है, टाइटल इसका रख दिया है और आंसर देना ही भूल गए हम भाई साहब, बोले कि नेक्स्ट वीडियो में देंगे, ऐसा नहीं होता है ना यार, आप इसके लिए आए हो आंसर देना पड़ेगा हमें, बोलिए आंसर बोलिए। मुझे अभी थर्ड मंथ चल रहा है और 19 तारीख से मुझे फोर्थ मंथ चालू हो जाएगा। हाँ जी मैम डबल से बोलिए। मुझे अभी थर्ड वाला मंथ चल रहा है और अभी 19 तारीख से मुझे फोर्थ मंथ स्टार्ट हो जाएगा, फोर मंथ चौथा महीना लग जाएगा मुझे। ये कैसे पता चलता है आपको? कैसे पता चलता है मतलब कि कौन सा महीना चल रहा है? लास्ट एलएमपी डेट से 7-8 दिन छोड़ के जो डेट आती है उससे मंथ स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्या? और इसी के अकॉर्डिंग डिलीवरी डेट भी फिक्स की जाती है, जो कि डिलीवरी डेट है मेरी 19 जनवरी। 19 जनवरी मतलब 2022 में हमारा बच्चा आने वाला है, आने वाला है, आएगा, आने वाला है, आएगा। तो मेन क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल गया कि मुझे अभी थर्ड मंथ चल रहा है और फोर्थ मंथ लगने वाला है बस 2-4 दिन में। हमें माफ कीजिएगा, 1-2 दिन में। ठीक है, क्या 1-2 दिन में? 1-2 दिन में चौथा महीना लग जाएगा ना। कर कितना, आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं? कितने साल हो गए? हमारी शादी को 3 साल कंप्लीट हो गए हैं और अभी दिसंबर में शादी को 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे। 4 साल हो जाएंगे। हमारा बच्चा कितने साल का है? 2.5 साल का। नेक्स्ट, श्री आशीष महाराज जी, आप विक्की भैया से कैसे पढ़ गई? मेरे से तो कोई सेठ ही नहीं होता। हाँ अदिति मेरे से कैसे पढ़ गई? मतलब लड़कों वो लड़के बोल रहे हैं कि इनसे कैसे पढ़ गई, हमारे से तो कोई लड़कियाँ पढ़ती ही नहीं है। आप लोग ट्राई करते रहो, पढ़ जाएगी। पटाते आप पटाते ही नहीं हो। क्लासेस ले लेना, फ्री में बैठेंगे ना, आप से क्लासेस दे देंगे कि पटाने। क्लासेस की बात नहीं है, लड़की ऐसा कुछ नहीं है, वो बस दोस्त बनो आप, दे देर हो जाता है, आपकी हैबिट अच्छी लगेगी तो सब कुछ हो जाएगा। और कभी नहीं होना होगी तो नहीं होगी सेट, नहीं होगी, ठीक है ना, और कहीं नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नेहा चौधरी सर एंड मैम, आप लोग इतनी जल्दी बेबी प्लान क्यों किया? सेकंड वाला, सेकंड बेबी प्लान क्यों किया? मैंने बोल वो हर्ष बेनीवाल का वीडियो देखा होगा ना आपने, कौन सा शादी का नहीं, पति पत्नी का, लाल साड़ी पहन के आती है, बन गया मूड, मैंने वाला था लाल साड़ी पहन के आने का। कुछ भी मतलब है, हमारे भी बेबी प्लान करने की कोई प्लानिंग नहीं थी, बट हो गया, सो हो गया, बेबी आ गया तो आ गया, आ गया सो आ गया, बाकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आ गया तो बहुत अच्छी बात है, भगवान की देन है, लेते जाओ, और भगवान देगा तो उसको लेना पड़ेगी हमें। नेक्स्ट, दीप माला साहू, प्लीज प्लीज बताना कि आप लोग ने लव मैरिज के लिए पेरेंट्स को कैसे मनाया, प्लीज प्लीज। इसका क्वेश्चन हम हमारी लव स्टोरी में देंगे, इसका आंसर हम हमारी लव स्टोरी में देंगे, और बहुत जल्दी लव स्टोरी आएगी हमारी, सेकेंड पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत जल्दी, क्योंकि हम इस रूम के अंदर है, लव स्टोरी शूट होगी, आज तो ये शूट हो रहा है, लव स्टोरी शूट होगी। अवधेश कुमार, पाई कमान भाविस भट्टे साथ क्यों पढ़ा बताना जरूर, बहुत सवाल का जवाब देने की चूल मची है तो बताओ। अच्छा, सवाल देने की चूल मची है हमको, सवाल का जवाब देने की चूल मची है हमको, सवाल का जवाब देने की चूल मची है तो बताओ। देखो मैं 10वीं 3 बार फेल हूँ, ये तो, और मेरा मैथ्स बहुत कमजोर है, इसका मैथ्स कमजोर है, जो भी पढ़े वाले बच्चे देख रहे हैं इसका आंसर मुझे चाहिए, जो भी अभी कंटिन्यू स्टडी कर रहा है वो प्लीज इसका आंसर देना, मैं इसको पिन करूंगा। हाँ, और नेक्स्ट व्लॉग में हम इसका आंसर जरूर बता देंगे, ठीक है, इसको पिन करूंगा मैं ऊपर। पाई का मान 22/7 क्यों पड़ा, यहाँ पे देख लो, देख लो, इधर दिख रहा होगा, यहाँ देख लो, इसका आंसर चाहिए ही चाहिए, मैं कैसे भी लेके आओ, चाहिए मतलब चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज्जत का सवाल है, हमसे पूछा ना इन्होंने। नेक्स्ट, महिमा गुप्ता, आपकी और अदिति दीदी की एज क्या है? एज माय एज कितने? देखो मैं ना हॉस्पिटल भी जाता हूँ, कुछ भी करता हूँ, तो कोई पूछ लेता आपकी एज, मैं सोचता 24 का हूँ कि 25 का हूँ। आप मिस्टर कर्मा जी 23 जुलाई 2021 को 25 साल की कंप्लीट होने जा रहे हैं, ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन रहता है 24 का हूँ कि 25 का हूँ, ठीक है, और जैसे हॉस्पिटल में दौड़ता हूँ तो मेरे को पूछते हैं, अदिति बीमार पड़ती है तो पूछते हैं क्या पेशेंट कर रहा है, मेरा अदिति कर्मा, एज क्या है, मैं सोचता हूँ 21 की कि 22 की है ये, कि 23 की हो गई है ये, कोई पता नहीं बोलता 22 साल, बस ऐसे ही तुक्का मार देता हूँ, पता ही नहीं कितने साल के तू, 22 के, 22 चल रही है कि हो गई है, हो गई हूँ मैं, 22 साल की हो गई, अब 23 में चल रही है, अब 23 की होंगे, 23 की होगी, अभी 23 में चल रही है, मतलब 23 साल की है ये, बस इतना ही था क्या क्वेश्चन,
क्या बात है, आपने हमारे से क्वेश्चंस नहीं पूछे, हमने आपको पोल डाला ही नहीं तो कहाँ से पूछोगे। सही बात है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू, मिस यू, किस यू, हग यू, वीडियो को लाइक करना भूलना मत, बीच में डिस्टर्ब नहीं करने का, बोलूंगी मैं, ठीक है। तो बस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिस यू, हग यू, मिस यू, किस यू, मिस यू, क्या बोलते हैं, एक डायलॉग बनाना पड़ेगा मेरे को, मैं अदिति को, हम जब रिलेशनशिप में थे तो हम बाय बोलते थे ना, किस तरीके से बाय बोलते थे, इतना बड़ा लिख के एक से डेढ़ घंटा हमको बाय बोलने में लगता था। नहीं नहीं, मैं आपको एक डेढ़ घंटा नहीं लगाऊंगा, एक होता था जैसे कि आप चीज़ बताना, टेक केयर, बाय बाय, मिस यू, हग यू, किस यू, मीट यू, लव यू, और जो भी था सारा सब कुछ बोलता था मैं उसको, फिर बाय बोलता था, ऐसा चलता था हमारा। तो इसका एक मैं है ना सबसे यूनिक बनाऊंगा बाय बोलने का तरीका आपसे, बहुत जल्दी मैं इसको लिखूंगा और अच्छे तरीके से बनाऊंगा, उसको रटूंगा, फिर आपसे बहुत अच्छा सा एंडिंग करेंगे हम, जैसा कि किसी ने नहीं करा होगा उस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बस ऐसे सिंपल तरीके से बाय बोल दें, बाय, तू कर दे।